चैनल, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। बहुत हफ्तों के बाद मेरा वीडियो ऑडियो पॉडकास्ट आ रहा है। तबीयत खराब होने की वजह से मैं पॉडकास्ट नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और आज के पॉडकास्ट में बैंक निफ्टी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी ने पिछले 2-3 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाई है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन का शायद छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से यहाँ से एक अच्छा तेजी का मूव देखने को मिल सकता है। तो कोई भी छोटी मोटी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है 100-150 पॉइंट की निफ्टी के अंदर, तो 14,900, 15,000 और 14,800 के आसपास डिप्स में खरीदारी करें। 14,700 का नीचे में एक अच्छा खासा निफ्टी में सपोर्ट लेवल है। ऊपर में 15,100 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो हम आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर यानी 1 वीक के अंदर निफ्टी में 15,300 से लेकर 15,500 तक के लेवल देख सकते हैं। यानी ऊपर का बायस रखकर काम करना है और डिप्स में खरीदारी करनी है। जिन्होंने लॉन्ग पोजिशन बना रखी है वो लोग पोजिशन को होल्ड करें। 14,700 का नीचे में मेजर सपोर्ट है, उस सपोर्ट को ध्यान में रखें। ऊपर में 15,100 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा तो 15,300 से 15,500 के टारगेट के लिए पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ने भी पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी तेजी दिखाई है। आज की जो क्लोजिंग 33,600 के आसपास थी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सी सम करेक्शन टिल 33,200 और 33,000 लेवल। ऐसा अगर कोई भी करेक्शन आता है तो डिप्स में खरीदारी करें। ऊपर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 34,000 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो हम 34,500 से लेकर 35,000 तक के लेवल आने वाले हफ्ते भर के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। तो डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो 32,700-32,500 के आसपास है। इस सपोर्ट लेवल जब तक नहीं टूटेंगे तब तक लॉन्ग पोजिशन होल्ड करके चले। निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ स्पेसिफिक अगर आप लोग को ध्यान रखना है तो आप लोग बैंकिंग स्टॉक्स में ध्यान रखिए। PSU बैंकिंग स्टॉक्स मेरे को यहाँ से बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि PSU बैंकिंग स्टॉक्स में रैली आई नहीं है, स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इससे अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और इसके अलावा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, इन स्टॉक्स को ध्यान में रखिए, नजर में रखिए। एक अच्छा अपसाइड मूव इन स्टॉक्स में यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। जैसे ही बैंक निफ्टी में तेजी चालू होगी तो ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। बैंकिंग के अलावा फार्मा सेक्टर पे भी ध्यान रखें। सन फार्मा चार्ट के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, सन फार्मा में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। डॉक्टर रेडी अच्छा दिखता है, इसके अलावा ग्लेनमार्क, कैडिला, सिप्ला ये स्टॉक भी अच्छे दिखते हैं। तो इनके अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। वेल, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सब लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें कोरोना वायरस में और इस लॉकडाउन में, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तभी सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।